भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन जारी है। बलिया सीतापुर से लेकर वाराणसी तक खूब एक्शन हो रहा है। कहीं पूरी चौकी लाइन हाजिर कर दी गई है तो कहीं पूरे थाने को ही सीएम योगी ने सस्पेंड कर दिया है। सीएम योगी के पास भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें सरकारी दफ्तरों से ही आ रही हैं। कहीं पुलिस वाले वसूली गैंग चला रहे थे तो कहीं एआरटीओ दफ्तर पर ही दलालों ने कब्जा जमा लिया था। लेकिन अब योगी का एक्शन शुरू हुआ तो अफसरों में हड़कंप मच चुका है। सिपाही से लेकर कप्तान तक सब सावधान मोड में आ गए हैं। अगर आपके जिले में भी ऐसा कोई ऑफिसर है तो उनका नाम भी आपको इस रिपोर्ट में दिख जाएगा। जुलाई से एक साल हो गया ना यहाँ के। तो क्या कर रहे थे, क्या क्या पका रहे थे? ये सब बंद करके क्यों बात कर रहे हैं? पीछे से क्यों बात कर रहे हैं? अभी मैंने 7-8 लोगों को पकड़ के रखी हूँ मैं कब्जे में। एआरटीओ ऑफिस पर छापा, पुलिस थाने पर एक्शन, यूपी बिहार बॉर्डर पर रेड, सीएम योगी ने सिस्टम की सफाई शुरू कर दिया। सफाई सिस्टम में मौजूद भ्रष्ट अधिकारियों की, सफाई मतलब सरकारी विभागों में मौजूद लापरवाह अधिकारियों की। योगी के एक्शन से यूपी के 4 जिलों में हड़कंप मच गया है। बलिया में एसपी को हटा दिया गया है, 18 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए। कोरंटा डी चौकी में तैनात सभी पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए। सीतापुर में पूरे थाने को ही लाइन हाजिर कर दिया गया है। वाराणसी में एक पुलिस वाले को गिरफ्तार किया गया है। योगी का मैसेज क्लियर है, सिस्टम में भ्रष्टाचार जैसे दीमक को वो लगने नहीं देंगे। ईमानदार अधिकारियों को जहां काम और एक्शन की खुली छूट, तो भ्रष्ट अधिकारियों पर सीएम योगी का हंटर भी खूब चल रहा है। सीएम योगी के एक्शन से पूर्वांचल में हड़कंप मच गया है। सवाल यह कि कार्रवाई क्यों हुई? बलिया में वसूली करने वालों पर एक्शन हुआ है, सीतापुर में काम में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई हुई है, वाराणसी में खाकी वर्दी पहनकर लूट करने वाला पकड़ा गया है, फतेहपुर बिजनौर में एआरटीओ में दलाली करने वाले अधिकारियों पर गाज गिरी। 4 जून के बाद से ही सीएम योगी विधायक, सांसद, नेता, शिक्षाविद और बुद्धिजीवियों से मिल रहे, यूपी में बीजेपी को हुए नुकसान पर मंथन कर रहे और बीजेपी को हार की जो फीडबैक मिली उसमें भ्रष्टाचार, पुलिस की मनमानी, काम में लापरवाही, आम जनता से सरकारी अधिकारियों का बेरुखा व्यवहार शामिल है। और अब सीएम योगी शासन के इन्हीं ढीली पेंच को टाइट करने में जुट गए। सबसे बड़ा एक्शन तो यूपी के बलिया में हुआ है। यूपी बिहार बॉर्डर पर बलिया के नरही थाना क्षेत्र के भरौली चेक पोस्ट पर पुलिस वालों ने उगाही की दुकान ही खोल दी। यूपी से बिहार में एंटर करने वाले ट्रकों से अवैध वसूली का सबसे बड़ा रैकेट पुलिस वाले चला रहे थे। नरही बॉर्डर से रोजाना 1000 ट्रक यूपी से बिहार में प्रवेश करते और इन्हीं ट्रकों से पुलिस वाले वसूली करते थे। एक ट्रक से 500 रुपया लिया जाता था, यानी एक दिन में 5 लाख की अवैध वसूली हो रही थी। और अगर पूरे महीने का हिसाब लगाएं तो 30,000 ट्रक से एक महीने में करीब 1.5 करोड़ रुपए वसूला जाता था। 500 रुपए में पुलिस वाले शराब माफिया, बालू तस्कर, पशु तस्करों की गाड़ी को बड़े आराम से यूपी से बिहार में एंटर करा देते थे। यूपी के बलिया में भरौली चेक पोस्ट पर अवैध वसूली का यह खेल सालों से चल रहा था। पुलिस महकमे में कांस्टेबल से लेकर जिले के उच्च अधिकारियों तक सब सेट, लेकिन सीएम योगी जैसे सुशासन की ढीली पेच को टाइट करने लगे, विधायक, सांसदों से जिले और क्षेत्र में विकास और कानून व्यवस्था की जानकारी लेने लगे, तब भ्रष्ट अधिकारियों की कहानी सामने आई। जांच के लिए सीएम योगी ने एक गुप्त टीम बनाई, इसमें टॉप लेवल के अधिकारी शामिल हुए। आजमगढ़ रेंज के डीआईजी, एडीजी वाराणसी को जांच का जिम्मा सौंपा गया। 22 पुलिस कर्मियों की स्पेशल टीम बनाई गई। इसके बाद सादी वर्दी में टीम ने रेकी की ताकि सच्चाई का पता चल सके। रेकी में वसूली का मामला सच निकला। इसके बाद नरही थाना और भरौली चेक पोस्ट पर छापेमारी की गई। भरौली जिले के आगे
जो क्वारंटाइन चौकी पड़ती है वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। स्पेशल 22 की टीम बलिया में एक साथ तीन जगहों पर छापेमारी की और सबसे बड़ी वसूली रैकेट का भांडा फूट गया। इस कार्रवाई को इतना गुप्त रखा गया कि बलिया के एसपी और एएसपी तक को इसकी जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि इस पूरे मामले में उनकी भूमिका भी संदिग्ध है। एसपी और एएसपी को हटा दिया गया है। सीओ, एसएचओ और दारोगा समेत 18 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं। सीओ, एसएचओ और चौकी इंचार्ज के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं ताकि काली कमाई से बनाई गई संपत्ति का पता चल सके। वहीं वसूली करते हुए 2 पुलिस वाले और 16 दलाल पकड़े गए हैं, जबकि 3 पुलिस वाले मौके से फरार हो गए, जिनके खिलाफ विभागीय एक्शन की तैयारी है। पुलिस को मौके से 37,500 रुपए मिले हैं। इसके साथ ही 14 बाइक जब्त किए गए हैं। बलिया में सिर्फ भरौली चेक पोस्ट पर ही छापा नहीं मारा गया, बल्कि एआरटीओ में फैले दलालों के मकर जाल को तोड़ने की कोशिश भी की गई। डीएम के आदेश पर सीडीओ ने बलिया जिले के सुखपुरा एआरटीओ ऑफिस पर छापा मारा तो दलाल और स्मार्ट चिप कंपनी के कर्मचारियों के बीच सांठगांठ की पोल खुल गई। छापेमारी में 2 दलाल और स्मार्ट चिप कंपनी के 4 कर्मचारी पकड़े गए। दलालों के साथ मिलकर स्मार्ट चिप कंपनी के कर्मचारी पूरा एआरटीओ दफ्तर को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए थे। बाढ़ के पूर्व जो अभ्यास होता है, मैं वहीं पे था, तो मुझे जानकारी मिली कि सीडीओ साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब और सीओ साहब ये लोग ऑफिस में आए। ऑफिस में इन्होंने जांच पड़ताल की और मेरे आने के बाद फिर तकरीबन 2 मिनट बैठे तो उसके बाद चले गए। 2-3 लोगों को पकड़े हैं, कुछ लोगों के मोबाइल लिए हैं और बाकी अपना छानबीन कर रहे हैं। गलत होगा उनके खिलाफ कार्रवाई। यूपी में भ्रष्टाचारियों पर योगी का एक्शन सहयोगी दलों को सूट कर रहा है। पूर्वांचल में दलितों की राजनीति करने वाले ओपी राजभर एक्शन पर योगी को सल्यूट कर रहे हैं तो अखिलेश यादव भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के बहाने योगी सरकार को घेर रहे हैं। कि बलिया की घटना को देख लें, इसको साक्ष्य कहते हैं, रंगे हाथ पकड़ना, इसी को ना साक्ष्य कहते हैं। तो इस तरह की बातें अगर सामने आवे तो सरकार कार्रवाई न करे तब फिर सरकार दोषी है। कानून व्यवस्था को, जनता को राहत मिले और जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और होना भी चाहिए। करप्शन को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात करना, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर सरकार ने तमाम बार दावा किया है, न केवल खुद कहा बल्कि संस्थाएं लगाई। एक्शन तो यूपी के सीतापुर में भी हुआ है। सीतापुर जिले के कमलापुर थाने में तैनात सभी पुलिस अधिकारियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। एसएचओ समेत 26 पुलिसकर्मी थाने में तैनात, सभी पर कार्रवाई हुई है। दरअसल पूरा मामला गांजा तस्करी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले क्राइम ब्रांच की टीम एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 किलो गांजे के साथ एक इनोवा गाड़ी पकड़ी थी, लेकिन इस छापेमारी में क्राइम ब्रांच की टीम कमलापुर पुलिस थाने को शामिल नहीं की। क्राइम ब्रांच की टीम इसे खैराबाद से अटरिया के बीच हाईवे पर पकड़ी थी, लेकिन अपना थाना नहीं होने के कारण क्राइम ब्रांच को संबंधित थाने में इसे जमा कराना होता है, लेकिन कमलापुर के एसएचओ ने केस दर्ज करने से ही इनकार कर दिया। इसकी खबर एसपी तक पहुंच, एसपी ने एसएचओ को फोन किया लेकिन एसएचओ ने साफ मना कर दिया। फोन पर ही एसपी चक्रेश मिश्रा और एसएचओ भानु प्रताप के बीच जोरदार बहस। इसके बाद एसपी थाने पहुंचे और काम में लापरवाही बरतने के आरोप में पूरे थाने को सस्पेंड कर दिए। यूपी के फतेहपुर में तो एआरटीओ ऑफिस के बाहर दलालों ने अपना दफ्तर खोल लिया था। भ्रष्टाचार और एआरटीओ ऑफिस पर दलालों के कब्जे की शिकायत पर औचक निरीक्षण करने पहुंची डीएम इंदुमती को देखकर अफरा तफरी मच गई। एआरटीओ ऑफिस के बाहर मौजूद दुकान बंद कर दिए गए और दुकानदार भाग खड़े हुए। जांच में पता चला कि सभी दुकानदार नहीं बल्कि दलाल थे। ऐसे फीडबैक हम लोगों को मिलती रही कि कुछ दलाल लोगों के नाते जो आम जनता है वो परेशान हो रहे हैं,
और वास्तविकता क्या है वो देखने पहुंचे हम लोग। इसके अलावा कुछ अवैध तरीके से प्राइवेट लोगों को लगाने की बात आई थी, तो ये सब चेक करने हैं तो मौके पर हम लोग पहुंचे हैं। वाराणसी में तो खाकी पहनकर लूट को अंजाम देने का मामला सामने आया है। दारोगा क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर कारोबारियों से वसूली करता था। आरोपी अपने साथियों के साथ 22 जून को सराफा कारोबारी के घर पर क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर छापा मारा और 49,50,000 रुपए जब्ती के नाम पर लेकर फरार हो गया।